मेरी बहन का, ये मेरी चोली चोली में था। अल्लाह के पास पैगंबर ने कि मन रहा मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई किसी बुराई को देखे, बेहयाई को देखे। अल्लाह के पास पैगंबर ने कि मन रहा मिनकुम मुनकरन, जब तुम में से कोई किसी बुराई को देखे, बेहयाई को देखे, मन जो मजबूर हो गए यदि उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे। Thank you.
इससे पहले मैं आपको ये इतराज देना चाहता हूँ, इस एहसास के साथ आप दुआ भी करेंगे, जनाब राजा इम्तियाज एजुकेट साहब जो कमल ग्रुप कमेटी के सरबराह भी हैं, रात को उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी तक हॉस्पिटल में है, अल्लाह ताला सबको जल्द अज जल्द सेहत कामरा अता फरमाए। हम सब की हमदर्दियाँ और हम सब की दुआएं राजा इम्तियाज साहब की फैमिली के साथ हैं। अब आखिर में मेरे बेटे का नाम जुनेद है, वो फिजाने जमजम में पढ़ता था, वो दावत इस्लामी वालों का मदरसा है। मेरा बेटा 5 माह हो गए हैं, वो 20 में था, 5 माह हो गए हैं, उसको बिल्कुल इंसाफ मिला। अब ये जमींदार वो ही जो ढूंढते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे जहाँ भी मैं जाती हूँ दावत इस्लामी वाले वहाँ पहुँच रहे हैं, उधर पैसे ले जाओ उनका मुँह चुप करवा देते हैं, ये उधर भी इसमें भी बिक गए, उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं देने दी, ये इतने जमींदे हैं पर रद्द करा दिया गया है, ये दावत इस्लामी वाले जमींदे। मैं तो उसको उस जगह पे थी जहाँ इस्लाम की तालीम दी जाती है, मुझे नहीं था पता बहुत जमींदे काले रहते हैं जिन जिन मेरे बेटे के साथ ऐसे किए, मैं कहता हूँ बहुत जमींदे ने मारे इसी तरह लोग इकट्ठे हुए और फिर ज़ैनब को इंसाफ मिला, ये कब तक होगा? कितने माओ के फूल रोज मसले जाएंगे और फिर हम बाहर निकलेंगे? नहीं, हम ये भाई जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं इस सिलसिले में एक बात करूंगी कि सजान के बाजार बढ़िया नहीं होती, हम किसी मजलूम के साथ खड़े होने में भी अपनी शादी अपने मैं राजा बिबरवान साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की तलबा करता है कि कमल मतलूब के विरसा के साथ भरपूर कामन किया जाए। आज का जुलूस इस बात का मुतालबा करता है कि ज़ैनब एक्ट एक्ट की तरह कमल मतलूब एक्ट कायम किया जाए और इस रोशनी में कातिल को फिर फोर्दार पर लटकाया जाए और बहुत सारे दोस्तों के साथ टाइम ना दे सके, सारिया सियासी पार्टियों के लोग इतना मौजूद न, असा मदद भी जाने उन्होंने डिमांड भी की और उन्होंने डिमांड नहीं की, असा मदद जाने किसी टाइम ना दे सके, बेशुमार कुछ और दोस्तों जोड़ा बोलना चाहिए है। उस तो बाद पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से नमसिंग बच्चों के साथ
चार रुपए करने अच्छा तू बनाओ ठीक है सारे हेलो सारे कितनी देर होगी पाने पे पीछे आई जो मेरी बहनों और मेरे भाइयों आज यकीनन हम हर कोई इस वाक्य से क्योंकि हमारे इस इलाके में इस तरह के वाक्य का रोनमा होना हमें इस वक्त तक चैन से नहीं बैठने देगा जब तक कबूतरों के कातिल को तख्तादार पर लटका कर इबरत का निशान न बनाया जाए। लफ्ज बेचती हूँ प्याले खरीद लो, लफ्ज बेचती हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफर है उजाले खरीद लो, मुझसे अपना हो सकेगा एहतराम अमीरे शहर का, मुझसे अपना हो सकेगा एहतराम अमीरे शहर का, मेरी जुबान के वास्ते ताले खरीद लो। मेरी बहनों और मेरे भाइयों याद रखिए जो मुल्क इस्लाम के नाम पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना हो इस मुल्क में रोजमर्रा के बढ़ते हुए जुराइम को जब इंसाफ के साथ अदब के साथ खत्म ना किया जाए तो ये जुराइम बढ़ते ही चले जाते हैं। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है जब क़यामत वाले दिन ये मासूम बच्चियां आपके आप भाइयों के सबसे पहले गरेबान पकड़ के पूछेगी बेहाई ये सब भी तो दिला दिया हमें किस जुर्म में वतन दिया गया तो आपके पास हमारे पास क्या जवाब होगा, क्या जवाब दोगे कि हम चूड़ियां पहन के अपने अंदरों में खामोश बैठे रहे। आज अपनी औरतों की तो तादाद बहुत कम है लेकिन जिस तरह हमारे इलाके Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.